हेलो फ्रेंड्स, आज हम बड़ी की सब्जी बनाने जा रहे हैं। बड़ी की सब्जी कई तरीके से बनाई जाती है, लेकिन हमारे तिथि में हम लोग इसे इसी तरह से बनाते हैं। जब बड़े दिन रहते हैं, हरी सब्जी नहीं खाते हैं, उस टाइम में हम इसे दही या छाछ के द्वारा बनाते हैं। चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। हमने यह एक कटोरी मूंग की बड़ी ले ली है। यह घर की बनी हुई है। इसे हम आधा टेबल स्पून तेल में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे पहले। या हमने एक कटोरी बड़ी ली है, इसे हम अच्छे से सेक लेंगे 5 मिनट के लिए। मैंने इसमें आधा चम्मच तेल डाला है छोटी। हमने उस कढ़ाई में से बड़ी निकाल ली है, इसमें हम एक दाल का चम्मच जितना तेल डाल रहे हैं। इसमें हींग डालेंगे आधा चम्मच छोटा। हमने आधा चम्मच जीरा डाला है, इसमें आधा चम्मच हमने लाल कश्मीरी मिर्च डाली है, और यह मैंने 1 गिलास जितनी खट्टी छाछ ली है दही से बना के, अब इसे इसमें डाली। इसे अच्छे से उबलने देंगे। हम इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर और थोड़ी सी हम तीखी लाल मिर्च डाल दें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे चलाते हुए हमने उबालना है, जिससे हमारी जो इसमें छाछ डाली हुई है, मट्ठा डाला हुआ है, वो फट ना जाए। अच्छे से बॉईल हो गया है। हम इसमें जो सेक के रखी थी वो बड़ी डाल देंगे। इसे हम 3-4 बॉईल और आने देंगे। हमारी बड़ी मुलायम हो जानी चाहिए। इसमें 3-4 बॉईल और आने देंगे, जिससे बड़ी मुलायम और पक जाएगी। यह मूंग की दाल की बड़ी है। इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे। यह देखिए हमारी बड़ी अच्छे से फूल गई है, बहुत बड़ी साइज की बन गई है। देखिए इसे थोड़ा 10 मिनट और बॉईल होने देंगे। हमारी यह बड़ी की सब्जी एकदम अच्छे से बन गई है। हम इसे कैसरोल में निकालेंगे। मैंने कैसरोल ले लिया है, इसमें हम निकालेंगे। इस तरह हमारी यह बड़ी की सब्जी खाने के लिए एकदम तैयार हो गई है। इस तरह आपको यह मेरी बड़ी की रेसिपी अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं सुधा किचन से सुधा शाह बोल रही हूँ। धन्यवाद। यह मैंने पर्युषण या बड़ी तिथि में बनाती हूँ, इसलिए इसमें मैं कोथमीर अप्लाई नहीं करती हूँ।